Yes, now we'll start with question number 68. Okay, so question number 68 क्या कहता है ये देखते हैं. पी क्यू आर आर इन पार्टनरशिप. तो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, पी क्यू एंड आर. ठीक है, ये पार्टनर है हमारे पास. आगे क्या कहता है, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ 4:3. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो हमें पेयर पी और क्यू के लिए तो क्या कहता है, 4:3 है. उसके बाद एंड आर रिसीविंग ए सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ. सैलरी किसको मिल रही है, पी और क्यू को नहीं, केवल आर को, जो कि पूरे साल भर की है 20,000 रुपीज. इसके आगे क्या कहता है, प्लस कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन. कमीशन भी मिल रहा है इसको. कमीशन कितना, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन. ठीक है, इसके आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखते हैं. और 1/6, या तो ये दोनों चीजें और 1/6 ऑफ प्रॉफिट, विच एवर इज मोर. उसे हमने या तो सैलरी और कमीशन देना है या 1/6 देना है प्रॉफिट का, दोनों में से जो भी ज्यादा हो ये किसको देना है, आर को. आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये देखें. Any excess of letter or former received by R under the partnership deed to be borne by P and Q in a ratio of 3:2. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर R को लेटर में यानी इस बाद वाले में कुछ ज्यादा मिल रहा है पिछले से, यानी इस वाले से 1:1 से फॉर्मर एंड लेटर, अगर लेटर में कुछ ज्यादा मिल रहा है फॉर्मर से तो इसे कौन बियर करेगा, ये मैं लिख भी देता हूं इसे. एनी एक्सेस रिसीव्ड बाय आर इन लेटर ओवर फॉर्मर. लेटर ओवर फॉर्मर का मतलब क्या हुआ यहां पर बेटा, कि आगे जो बाद वाला है इसमें अगर कुछ ज्यादा मिल रहा है पिछले वाले से, यानी इस वाले में से, ओल्ड और न्यू कर लूं, या इसे फर्स्ट बोल देता हूं और इसे मैं सेकंड बोल देता हूं. तो अगर फर्स्ट इस सेकंड में उसे पहले वाले से, फॉर्मर कौन है, पहले वाला, पहले वाले से ज्यादा मिल रहा है सेकंड में, तो क्या करना है, शुड बी बॉन्ड बाय पी एंड क्यू इन अ रेशियो, विल बी बॉन्ड बाय P and Q in 3:2 में वो उसे बियर करेंगे. इसके आगे क्या कहता है ये देखते हैं. द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2017 केम टू, प्रॉफिट बता रखा है लास्ट में, इस साल का प्रॉफिट कितना आया है, 385,000 आफ्टर चार्जिंग आर्स सैलरी. सो प्रॉफिट ₹3,85,000 आफ्टर आर्स सैलरी. आर्स की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए. तो इसका मतलब कह सकते हैं नेट प्रॉफिट इज 385 प्लस 20,000, क्योंकि इसमें घटा हुआ है ना तो जोड़ दो, तो नेट प्रॉफिट जो हमें पीएनएल में आया है वो कितना है हमारे पास, 405,000 रुपए. ठीक है, 405,000 रुपीज. चलिए, तो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम सिमिलर क्वेश्चन है 67 के जैसा ही, कंपेयर करेंगे फॉर्मर और लेटर में, इन दोनों में कैलकुलेशन कर लेंगे यहां क्या मिलता था और यहां क्या मिलेगा.
पुराने वाले से ज्यादा मिलेगा वो इन दोनों से ले लेंगे। चलिए आते हैं हम यहां पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करें, सॉल्यूशन पर आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 के जैसा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट फिर भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, करते हैं, आप हेल्प कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या पहले आपको अलग अलग बता दूं इन दोनों में क्या मिलता था, क्या कमीशन अलग से निकाल के बता दूं, है ना, हेल्प हो जाएगी पिछले वाले तरीके के कंपेरिजन में। तो यहां लिख लेते हैं हम इसको, प्रीवियस एंड करंट सिनेरियो को यहां लिख लेते हैं, बस कमीशन ये तो मैं कैलकुलेटेड है, और ये दोनों चीजें निकाल ली, इसी के लिए मैं प्रीवियस और न्यू कर रहा हूं। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं आपके पास, जो हमारे पास ये कौन है, आर, आर को दो चीजें, एक तो सैलरी कितना है 20,000, ठीक है, फिर कमीशन कितना मिल रहा था, कमीशन मिलता है आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, यानी कि कमीशन में क्या होगा, जो जो प्रॉफिट को का अमाउंट आएगा सैलरी के बाद, सैलरी घटाने के बाद उसका रेट क्या है 10%, उसे डिवाइड किससे करोगे 100 प्लस रेट से, क्योंकि आफ्टर कमीशन है, ठीक है। फिर भी मैं यहां कंप्यूट कर रहा हूं, देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है 4,05,000 माइनस सैलरी जो कि है 20,000, ठीक है, आफ्टर सैलरी एंड कमीशन है, तो रेट प्लस 110 यानी रेट प्लस 100, ठीक है ना, जुड़ गया। चलिए मुझे ये बता दीजिए जरा कमीशन कितना आएगा यहां पर, कैलकुलेट करके बताओ, 385 पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे जोड़ दिया ना, देखो आफ्टर सैलरी यही तो था 385 भी आ रहा है, 4,05,000 में से 20,000 हटा दोगे तो जरा बताइए कमीशन का अमाउंट कितना आ जाएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग बताइए कितना आ रहा है 35,000। चलिए सो कमीशन आ गया हमारा 35,000, ये टोटल कितना बन गया हमारा 55,000, ये तो है सैलरी एंड कमीशन। अच्छा इसके साथ में अगर हम कंपेयर करें, आर को मिले 1 कितना है 1/6 है, हाँ 1/6 ऑफ प्रॉफिट, 1/6 ऑफ प्रॉफिट यानी कि इसका मतलब क्या है 1/6 ऑफ 4 लाख है 5,000, तो ये कितना आता है ये भी देखें जरा, ये कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूं 4,05,000 का 1/6 निकालिए कितना आ रहा है, कितना 67,500, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें यहां पर इस लाइन की, तो क्या कहा है इन्होंने, एनी एक्सेस रिसीव बाय आर इन लेटर, यहां पर कितना मिल रहा है 67,500, ओवर फॉर्मर, फॉर्मर कितना है 55,000, तो इसे कौन बियर करेगा, इसे बियर करेंगे पी एन क्यू, किस रेशियो में 3:2 में, तो इन दोनों का जरा डिफरेंस बताना, 55 और 67,500 का डिफरेंस बताओ जरा मुझे कितना है, ये क्या कुछ और लग रहा है, ये लो बेटा मैं दोबारा बना देता हूं उसको, ये 5 ही बनाया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में बना दिया हूं, अब ठीक है थोड़ा घूम तो गया है समझता हूं, ठीक है। चलिए 55,000, अच्छा 67,500 में से 55,000 हटाओ कितना आया 12,500, ठीक है, तो 12,500 पी और क्यू बियर करेंगे किस रेशियो में 3:2 में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें अगर प्लस कर दे 12,500 तो क्या बन जाता है ये, ठीक है यही तो था। चलिए तो ये डिफरेंस आ गया ये वाला अमाउंट, अब आ जाते हैं अपने मेन वर्किंग पर, तो हमारे पास नाम है पी क्यू और आर, दोबारा से मैं वही दो पार्ट में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं टोटल 67,500 भी लिख सकता हूं, बट मैं जानबूझ के क्या लिखता हूं इसे 55,000 प्लस 12,500, ये प्लस लिखा है यानी बाद में लिखे, पहले हम इसे देखें 55,000 को,
आप मुझे ये बताओ, आप ये मानकर चलो फिलहाल ये जो मैंने यहां लिखा ये लिखा ही नहीं है ना, तो आप मुझे बताओ 55,000 अगर 4,05,000 में से जाएं, यानी 4,05,000 में से 55,000 माइनस कर दो कितना आया 3,50,000। तो 3,50,000 को हम बांट दें पी और क्यू में उनकी रेशियो में 4:7, 3,50,000 को हम बांटें 4:3 में तो कितना कितना आ गया। अभी ये लिखा ही नहीं है मान के चलो, अभी हम एक काम करो मैं इसे हटा देता हूं फिलहाल के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि 55 इसे मिले तो उसके बाद कितने बच गए 3,50, 3,50 को हमने इन दोनों को दे दिया, इन सबका टोटल क्या आ रहा है 4,05,000। तो जरा मुझे ये बताओ 3,50,000 के 7 हिस्से करो, 7×5=35 ठीक है ना, तो कितना आ गया ये 50,000। 50,000 गुना में 2 सही कर रहा है ना भाई, 35 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, तो ये आ गया 2,00,000 रुपए। ऐसे ही यहां पर ये आ गया 1,50,000, ये आ गए इनके प्रॉफिट। अब हमने क्या कहा भाई, हमें तो इसे देने हैं 67,500 यानी इसे और देने हैं 12,500, और ये 12,500 किन से लेंगे, इन दोनों से लेंगे, किस रेशियो में 3:2 में। चलिए तो 3:2 में लें इससे 12,500 को, 12,500 का 3:2 का मतलब क्या हो गया 3/5, 12,500 2/5। चलिए ठीक है, इसका तो जोड़ ही दिया, इनके यहां से हटाएं। अच्छा इसका अमाउंट कितना आ रहा है मुझे बताइए जरा, 12,500 का 3/5 या 3/5 बोलो, 3/5 है 3/5 भी यही समझ में आता है, अच्छा 3/5 बोलो, बाय ना बोलो ठीक है। तो 12,500 का 3/5 कितना आएगा ये बताइए मुझे, कितना बता रहे हैं 7,500, अच्छा ढाई आता है एक हिस्सा ठीक है, ढाई गुना में 3 7,500, तो ये अमाउंट कितना आ गया 7,500 आया ठीक है। तो 2,00,000 में से 7,500 हटाओ कितना गया 192,500 ठीक है। अच्छा ये कितना आ रहा है, वही ढाई गुना 2 5,000, तो ये आ रहा होगा हमारा 5,000 ठीक है। तो 1,50,000 में से 5,000 गए तो कितने बच गए 1,45,000। चलिए और यहां पर ये टोटल कितना आ गया 67,500, और इन सबका टोटल कितना आ गया 4,05,000 रुपए ठीक है। ये मैंने कंपेयर करने के लिए बताया, आपको पता लगेगा कि हमें कितना और देना है ताकि स्प्लिट कर सके इसे। चलिए ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है बात समझ में आई, सिमिलर क्वेश्चन है 67 के जैसा ही ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल डाल देता हूं ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, यहां डाल दो, ये वर्किंग नोट तो बना ही लिया होगा, सैलरी और 1/6 बना लेंगे। चलिए मैं इसे हटा देता हूं, देखिए बेटा जो हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं बच्चे मैं उनके लिए बताऊं, हमारे चैनल का नाम है SR Accountancy क्लासेस ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, आप हमें इस नाम से YouTube पर सर्च कर सकते हैं, यहां पर हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमें Facebook पर भी फाइंड कर सकते हैं इसी नाम से, SR Accountancy के नाम से SR Accountancy क्लासेस ढूंढिए, Facebook पर भी अवेलेबल है ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, जब आप सॉल्यूशंस देखते हैं, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, आपको कोई अगर डाउट या क्वेरी आता है सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो वीडियो के नीचे कमेंट कॉलम आता है, आप मुझे कमेंट कॉलम में आपकी डाउट और क्वेरी बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन ठीक है ना। तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट एंड क्वेरी, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9261004×7, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार चैनल पर आकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कोई नया वीडियो अपलोड किया है या नहीं किया, तो आपको उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, देखिए ये मेरा एडिशनल क्वेश्चन से पहले का लास्ट क्वेश्चन है, यानी लगभग हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आप मुझे वैसे डाउट में पूछ सकते हैं, हमें टाइम मिल जाएगा, या अगली बार एक बार सारा खत्म करने के बाद हम एडिशनल के बाद के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे वाले क्वेश्चन सिमिलर है, कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे।